पार्ट वन हम लेते हैं, फैक्टराइज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एट एक्स प्लस एट वाई। सबसे पहले हम ये सोचते हैं क्या कोई कॉमन फैक्टर आ रहा है इसमें। ध्यान दें बच्चों, एक्स स्क्वायर को आप क्या लिखोगे, एक्स इंटू एक्स प्लस एक्स वाई को आप क्या लिखोगे, एक्स इंटू वाई प्लस एट एक्स को आपने लिखा एट इंटू एक्स प्लस एट वाई को लिखा आपने एट इंटू वाई। सबसे पहले आप ये देखो कि कुछ भी कॉमन आ रहा है क्या चारों टर्म में से, फर्स्ट टर्म है ना, टोटल फोर टर्म्स है ना, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म, क्या कुछ भी, क्या कोई भी ऐसा नंबर है या वेरिएबल है जो कॉमन आ रहा है? नो सर, नो। क्यों? यहाँ एक्स है, यहाँ है, बट यहाँ है तो यहाँ एक्स नहीं है। अब बताओ, फिर तो बात ही खत्म होगी ना। यहाँ एट है, यहाँ है, बट यहाँ यहाँ नहीं है, यहाँ वाई है, यहाँ वाई है, यहाँ और यहाँ नहीं। तो ऑल फोर टर्म्स, चारों टर्म में से कोई भी नंबर कॉमन नहीं आ रहा, कोई भी वेरिएबल कॉमन नहीं आ रहा। जब ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, याद है आपको, हम क्या करते हैं बच्चों, हम इसको करते हैं फैक्टर विद द हेल्प ऑफ रीग्रुपिंग। याद है, फैक्टर विद द हेल्प ऑफ रीग्रुपिंग। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए अब हम इसमें क्या करेंगे, ध्यान दें, थोड़ा सा अंदाजा आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए कैसे हमने क्या किया, हमने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इन दोनों टर्म्स को साथ साथ ले लिया और प्लस इन दोनों टर्म्स को साथ साथ ले लिया। क्यों सर? क्योंकि बच्चों मुझे थोड़ा थोड़ा दिखाई पड़ रहा है क्या कि इन दोनों में से कॉमन हो जाएगा एक्स, भाई यहां भी एक्स है, यहां भी एक्स है, और इन दोनों में से कॉमन हो जाएगा एट। बात बन जाएगी आपकी, देखते यहां हम एक ब्रैकेट लगा लेंगे और यहां भी हम एक ब्रैकेट लगा लेंगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए इसमें, ब्रैकेट ही तो लगा लिया है। ठीक, अब सुनो बच्चों, ये एक अलग क्वेश्चन बन गया और प्लस के बाद में ये एक अलग क्वेश्चन बन गया। अब कॉमन फैक्टर मेथड से आप इसको कर दीजिए। ठीक है, देखिए कैसे बताता हूं आपको। एक्स स्क्वायर को आप क्या लिखोगे, एक्स इंटू एक्स प्लस कॉपी कर लिया, एक्स इंटू वाई को आपने लिखा, एक्स वाई को आपने लिखा एक्स इंटू वाई, यहां ब्रैकेट ऐसे लगा लिया और ये वाला प्लस यहां पे। अब एट इंटू एक्स को आपने क्या लिखा, एट एक्स, एट इंटू एक्स भी लिख सकते हो, और अगर आप चाहो तो एट को आप टू इंटू टू इंटू टू भी लिख सकते हो, इंटू में एक्स लिख सकते हो। एट को क्या लिखा, टू इंटू टू इंटू टू, टू टू द फोर टू द एट होता है ना, इसलिए टू इंटू टू इंटू टू इंटू एक्स और प्लस एट को, ये देखिए ये वाले एट को भी आपने लिखा टू इंटू टू इंटू टू इंटू में वाई, करेक्ट। और ब्रैकेट क्लोज, ये वाला ब्रैकेट यहाँ पे हमने क्लोज कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब ध्यान दें बच्चों, यहाँ पे करता हूँ, इन दोनों में देखिए कि देखिए यहाँ भी एक्स है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, सो एक्स, और यहाँ भी एक्स, तो एक्स कॉमन आ जाएगा, बस अब कुछ कॉमन नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे एक्स बच रहा है, तो यहाँ एक्स्ट्रा एक्स नहीं है, यहाँ वाई है बट यहाँ वाई नहीं, तो हमने एक्स कॉमन लेने के बाद क्या देखा, फर्स्ट टर्म में क्या बच रहा है एक्स प्लस सेकेंड टर्म में क्या बच रहा है वाई। ओके, ये वाला प्लस यहाँ कॉपी कर लेंगे। अब ध्यान दें बच्चों, यहाँ पे टू है, फिर यहाँ पे एक टू है, तो एक टू कॉमन आ गया, इन टू यहाँ पे टू है, फिर से सेकंड टर्म में फिर से टू है, फिर से टू कॉमन आ गया, यहाँ पे टू है सो यहाँ पे भी टू है, तो फिर से एक टू कॉमन आ गया। ठीक, अब ध्यान दें वेरिएबल्स में कुछ भी कॉमन नहीं है क्योंकि यहाँ एक्स है तो यहाँ वाई है, यहाँ वाई है तो यहाँ एक्स है। ठीक, अब ब्रैकेट में क्या बचा, टू इंटू टू इंटू टू बाहर चला गया, एक्स बचा, और प्लस टू इंटू टू इंटू टू बाहर चला गया, वाई बच गया नीचे। ओके स्टूडेंट्स, और टू इंटू टू इंटू टू क्या होता है, एट ही तो होता है, तो आप डायरेक्टली भी 8 कॉमन ले सकते थे, तो अंदर भाई यहां से 8 अगर बाहर आ जाए तो यहां x बचेगा, यहां y, x plus y। ठीक, चलो अब देखो बच्चों, x इसको हमने लिखा x और यहां कुछ नहीं, यानी कि into है, so x into x plus y और plus 2 to the 4 to the 8, so 8 और यहां कुछ नहीं, यानी कि into 8 into in the bracket x plus y। ओके, तो आप देखो बच्चों, ये जो फर्स्ट टर्म, मतलब ये जो ब्रैकेट में आपने लिखा था एक्सप्रेशन जिसमें टू टर्म्स थे, अब ये वन टर्म में चेंज हो गया है, दिस इज ओनली वन टर्म, और फैक्टर में हमेशा वन टर्म होते हैं, बात आपको पता है। तो ये देखिए, ये रहे इसके फैक्टर, और प्लस ये जो ब्रैकेट में लिखा था बाइनोमियल, बाइनोमियल मतलब जिसमें टू टर्म्स थे उसके फैक्टर ये रहे। ठीक, अब कुछ नहीं करना है, जैसा हमने आपको एग्जांपल में सिखाया था, एक कर्ली ब्रेसेस इधर ओपन करेंगे और इधर क्लोज करेंगे। अब आप देखिए बच्चों, अब यहां से यहां तक इस एक्सप्रेशन में टोटल कितने टर्म्स हैं, टू टर्म्स हैं। कैसे, ये फर्स्ट टर्म है एक्स इंटू एक्स प्लस वाई, और प्लस ये आपका सेकेंड टर्म है एक्स इंटू सॉरी एक्स इंटू एक्स प्लस वाई फर्स्ट टर्म है, और एट इंटू एक्स प्लस वाई सेकेंड टर्म है। अब आप बताइए कि फर्स्ट टर्म में और सेकेंड टर्म में क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, क्या कॉमन आ रहा है, तो जवाब है एक्स प्लस वाई, यहां पर भी, यहां पर भी, तो आप देख सकते हो ये जो एक्स प्लस वाई यहां पर भी, एक्स प्लस वाई यहां पर भी, तो ये ब्रैकेट के साथ जो एक्स प्लस वाई, इसको हम कर्ली ब्रेसेस के बाहर ले आएंगे, कॉमन हो रहा है ना, सो एक्स प्लस वाई बाहर आ गया, तो कर्ली ब्रेसेस में क्या बचा, फर्स्ट टर्म में एक्स बचा, क्यों सर, एक्स प्लस वाई बाहर आ गया, और प्लस एक्स प्लस वाई बाहर आ गया, क्या बच गया एट, ये लीजिए। और मैंने आपको बढ़ाया था क्या कि लास्ट में हम क्या करते हैं, ये वाला एक्स प्लस वाई हम ऐसे ही लिखेंगे,
और इस कर्ली ब्रेसेस को अब हम नॉर्मल ब्रैकेट में चेंज कर लेंगे। सो नॉर्मल ब्रैकेट में हमने लिखा x प्लस एट। सो आपके फैक्टर्स आ गए क्या, x प्लस वाई इन द ब्रैकेट x प्लस एट। ओके स्टूडेंट्स, करेक्ट। सो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हैंडल हम कर सकते हैं, करेक्ट। नोट कर लीजिए प्लीज, नोट करिए स्टूडेंट्स फटाफट प्लीज, नोट कर लीजिए प्लीज फटाफट। ओके, अब इसका देखो दूसरा मेथड भी मैं आपको सिखा देता हूं, शायद आपने हमारे वीडियोस ना देखे हो, इंट्रोडक्शन वाले, उसको देखना बहुत जरूरी है। अगर आप देखोगे तो एक ही क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके आपको पता चलेंगे। ओके, देखिए इसी क्वेश्चन को हम एक और तरीके से कर सकते हैं, कैसे, ध्यान दें स्टूडेंट्स, थोड़ा अंदाजा आप लगाइए और देखिए यहां पर एक्स स्क्वायर है, इसको थोड़ा रीअरेंज कर लो, ये एक्स स्क्वायर है ना, इसमें एक्स मिलेगा आपको, यहां पर एक्स मिलेगा आपको, तो इसको इसको पास पास कर लो। सो एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स को आपने पास पास लिखा, और क्या बचा आपके पास, एक्स वाई है ना, प्लस का एक्स वाई और प्लस का एट वाई, इन दोनों को पास पास लिख लिया, क्योंकि इसके पास भी वाई है, इसके पास भी वाई है, थोड़ा रीअरेंज हमने इसको कर लिया। अब यहां ब्रैकेट लगाया और यहां ब्रैकेट लगाया, ठीक। अब ध्यान दें एक्स स्क्वायर को लिखेंगे एक्स इंटू एक्स, और प्लस एट को हम लिखेंगे क्या, टू इंटू टू इंटू टू इंटू एक्स, एट को टू इंटू टू इंटू टू इंटू में एक्स, ये ब्रैकेट क्लोज, ये वाला प्लस यहाँ पे कॉपी, एक्स वाई को हमने लिखा एक्स इंटू वाई, प्लस एट को हमने लिखा टू इंटू टू इंटू टू और इंटू में ये वाला वाई, करेक्ट। नाउ अब देखिए बच्चों, ये एक अलग क्वेश्चन है और ये एक अलग क्वेश्चन है, ओके। नाउ देखिए यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे भी एक्स है, एक्स आ गया कॉमन, बस x आएगा कॉमन, क्योंकि यहाँ 2 है तो यहाँ नहीं है, तो यहाँ बचेगा x और प्लस यहाँ बचेगा 2 इंटू टू इंटू टू, टू इंटू टू इंटू टू और प्लस। अब देखिए बच्चों, ये फर्स्ट टर्म में x आ रहा है और सेकंड टर्म में x नहीं आ रहा है, फर्स्ट टर्म में y है, सेकंड टर्म में y है, y हो गया कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा यहाँ पर x और प्लस 2 इंटू टू इंटू टू, टू इंटू टू इंटू टू, करेक्ट। अब ध्यान देंगे ये x है इन द ब्रैकेट, ये वाला x ऐसे और प्लस 2 टू द 4 टू द 8 और प्लस ये y है और ब्रैकेट में ये x है और प्लस 2 टू द 4 टू द 8, करेक्ट। नाउ अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, देखिए ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये आपका सेकेंड टर्म है, क्या कॉमन आ रहा है, ये है x इंटू एक्स प्लस एट, ये है y इंटू एक्स प्लस एट, क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस एट, देख लीजिए x प्लस एट यहाँ पर भी है, x प्लस एट यहाँ पर भी है, सो x प्लस एट आ जाएगा कर्ली ब्रेसेस के बाहर कॉमन। अब यहाँ से x प्लस एट बाहर चला गया, क्या बचा x प्लस, यहाँ से x प्लस एट चला गया, क्या बचा y, ये लीजिए, और कर्ली ब्रेसेस को हम क्या करेंगे, नॉर्मल ब्रैकेट में चेंज कर लेंगे। सो पहले आपका आंसर क्या आ रहा था, पहले आ रहा था x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस एट, अब क्या आ रहा है x प्लस एट इंटू एक्स प्लस वाई, बात क्या है, सेम है, बस ऑर्डर चेंज हो गया, तो ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। ओके स्टूडेंट्स, सो इसको आप दोनों मेथड से करना सीख लीजिए, प्लीज़ नोट कर लीजिए।